हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रिव्यू गेट स्मार्ट चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कोई भी पेंटिंग वर्क जब आप किसी पेंटर को दे रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको बैठ के शांत दिमाग से पेंटिंग का काम कितना है वो लिखना है। आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना काम कराना है पेंटर से। तो अगर आपकी दीवारें बहुत पुरानी है तो उसमें फिर आपको सैंडिंग भी करनी पड़ेगी। सैंडिंग करने के बाद हो सकता है फिर आपको प्राइमर मारना पड़े और फिर उसके बाद फिर पेंट के कोट्स आएँ। बट आप देखेंगे कि पेंटर्स उनका काम बचाने के लिए पहले प्राइस बता देते हैं कि भाई इतना इतना प्राइस लेंगे, और फिर बाद में बोलते हैं कि अरे तो इनको तो सैंडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पेंटिंग के इसमें जो असली मेहनत का काम होता है वो सैंडिंग का होता है। तो आपको ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि आप जब भी पेंटिंग कराएं तो सैंडिंग करानी ही है। तो इसको आप, ये जितनी भी आपको रूम्स पेंट करानी होगी, ये सारा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या काम है। और जितना भी आपको लगे रूम स्पेसिफिक वो सब उसकी लिस्ट बना ले। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लिस्ट बनाइए, वो पेंटर को नहीं दिखानी है, पेंटर को सिर्फ वर्बली बताना होगा कि ये काम है। तो जैसे ही आपको ये दिमाग की क्लैरिटी आ जाती है, आप मल्टीपल पेंटर्स को कांटेक्ट करना शुरू करें, उनको बताएं कि भाई ये काम है, उनसे एस्टीमेट लें। उसके बाद आपको जो पेंटर का ठीक लगता है एस्टीमेट वो काम के लिए, आप उसको अपने हिसाब से फाइनल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जितनी भी रूम्स होगी हर एक रूम्स के लिए आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए पूरा कम्प्लीट। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू डू लिस्ट के इसमें रूम, अगर हॉल है तो हॉल के इसमें आपने किया कि ओके सैंडिंग करना है, सेकंड प्राइमर लगाना है, थर्ड फर्स्ट कोट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम सेकंड कोट। और अगर लाइट कलर हो तो उसके इसमें आपको ज़्यादा कोट मारने की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो इस तरीके से आप हर एक रूम स्पेसिफिक ये आइटम्स क्रिएट करें, ताकि जैसे जैसे काम हो वैसे वैसे आप वो अपने ये लिस्ट में के आइटम्स को क्रॉस करते जाएँ। नॉर्मली जब आप काम डेलीगेट कर देते हैं तो उसके बाद देखिए कि बराबर से पेंटर काम कर रहे हैं क्या। उनके इसमें काम चोरी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अनलेस कोई उनके ऊपर वॉच रख रहा है, वो कभी भी अपना काम सही से नहीं करेंगे। सैंडिंग तो ढंग से कोई करता ही नहीं है, तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, रुमाल रुमाल रख के एटलीस्ट बीच बीच में देखते रहिए कि सैंडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये लोग क्या करते हैं कि रूम बंद करके 5 मिनट ऐसा कुछ दिखाएंगे कि सैंडिंग करेंगे और सीधा फिर पहला कोट मार देते हैं, और पहला कोट मारने के बाद फिर रूम खोलते हैं। तो हमको पता ही नहीं होता कि इन्होंने कितनी देर सैंडिंग की है, मतलब सैंडिंग की भी है क्या। ज़्यादातर लोग आपको इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेंटिंग का। आपका सर्फेस सही तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए पेंटिंग के लिए। सैंडिंग की वजह से वो पेंट अच्छी तरीके से फिर उसमें पकड़ के रहता है। और अगर आपने महंगे वाले पेंट यूज़ किए होंगे, जैसे रॉयल वगैरह, एशियन पेंट्स के जो भी शाइनिंग वाले पेंट्स होते हैं, तो उसमें तो आपको दीवार को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आप वाइट कलर मार रहे हैं तो बहुत से, और स्पेशली अगर आप पुट्टी की वाली दीवार पर वाइट कलर मार रहे हैं, तो पेंटर्स क्या करेगा कि पुट्टी की वजह से ऑलरेडी वाइट कलर आ चुका है, एक कोट मार देगा और उसको बताएगा कि दो कोट मार चुके हैं। तो वहाँ पे भी वो इस तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने पेंटर को बोल के रखना है कि भाई एक एक करके सारी चीज़ करनी है। पहले सारे घर का चाहिए तो सैंडिंग कर लो, या अगर एक ही रूम का सैंडिंग करके उसका पेंटिंग निपटाना है तो जो जो चीज़ जैसे जैसे हो रही है आप उसको बताएं कि एक एक जैसे चीज़ हो जाएगी मुझे आके बताना है। अगर आप खड़े रह के देख सके तो और भी अच्छी बात है, बट वो पूरा दिन ले लेगा तो शायद उतना समय नहीं रहेगा आपके पास। तो पेंटर को बोले कि अगर सैंडिंग हो जाती है तो मुझे आके बताना है कि सैंडिंग हो गया है, अभी मैं प्राइमर लगा रहा हूँ। जैसे ही प्राइमर का पहला कोट हो जाएगा उसके बाद फिर आके बताइए कि भैया अभी प्राइमर हो चुका है, मैं अभी इतने 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फिर मैं पेंटिंग का पहला कोट अप्लाई करूँगा। और ये लोग जल्दी काम निपटाने के चक्कर के इसमें 2 पेंट के कोट के बीच में ज़्यादा गैप रखते नहीं है, सूखने भी नहीं देते। पहला पेंट मतलब प्राइमर मार दिया तो तुरंत 1 घंटे के बाद वो पहला कोट मार देंगे, और 2 घंटे के बाद तुरंत सेकंड कोट मार देंगे। कम से कम 2 से 3 घंटा आप प्राइमर को सूखने दीजिए, पेंट का कोट है तो कम से कम 3 से 4 घंटा उसको सूखने दीजिए। और ये सीज़न के हिसाब से वैरी करेगा ये टाइम, समर में थोड़ा जल्दी सूख जाता है, रेनी सीज़न में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है।
तो ये कोशिश यही करते कि जितना भी सारा काम हो, प्राइमर पेंटिंग के जितने भी कोर्स है, सारा एक ही दिन में निपट जाए। अगर आपका पहला कोर्स सूखा नहीं, मतलब सूख नहीं जाता और उसके ऊपर ही आप सेकंड कोट मारते हैं, तो कुछ दिनों के बाद अंदर से एयर, उसका कुछ गैसेस या जो भी होगा वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और आपका पेंट के इसमें फिर वो पैचेस निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो आपने पहला कोट सूखने नहीं दिया और उसके ऊपर दूसरा कोट मार दिया, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए समय दे अपने पेंट को सूखने का पूरा, चाहिए तो एक कोट मारने के बाद दूसरी दीवार के ऊपर फर्स्ट कोट मार दीजिए या फिर दूसरे रूम के इसमें का वो काम कर लीजिए, लेकिन पेंट को सूखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा आप बिल्कुल लीजिए। रही बात पैसे की, और इनका काम होता है कि अगर लंबा काम है 1 हफ्ते का हो तो ये लोग बीच बीच में पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन के इसमें जितना भी आपने काम कराया है, ओके, और आपको लगता है कि मे बी इस काम का मैंने 4,000 देना है, तो आप 2,000 दीजिए। मतलब जो भी काम हो रहा है उसका कम से कम लेट से 30-40% हमेशा आपके पास बचा हुआ होना चाहिए। ये 30-40% आप पूरा काम ख़त्म होने के बाद फिर पेंटर को दोगे। वो इसलिए कि इनकेस अगर ये पेंटर ने दूसरा कोई काम ले लिया और आपके घर का काम जो है वो 4-5 दिन के लिए बंद पड़ गया है, मतलब बंद कर देते हैं वो, क्योंकि वो दूसरी तरफ जाके काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका काम तो डिले हो जाएगा। तो ये डिले जो होने वाला है उसका आप फाइन लगा सकते हैं, जो फाइनल अमाउंट आएगा उसमें से। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे कभी भी उनके हिसाब से पेमेंट मत कीजिए, जितना आपको लग रहा है उस हिसाब से पेमेंट कीजिए। आपको लग रहा है कि भाई 5,000 का काम हुआ है तो 2,500 ही दीजिए। 50% से ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई पेंटर नहीं मानते तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा दे सकते हैं, मे बी 60-70% आप दे दीजिए, लेकिन हमेशा जितना काम हुआ उससे उस वैल्यू से कम ही उनको पेमेंट देना चाहिए, और फाइनल पेमेंट पूरा काम होने के बाद ही। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू।